बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्वेल किचन रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलूओं की चटपटी सी बिरयानी। तो बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलूओं की चटपटी सी बिरयानी बनाने के लिए 2 किलो चावल है, तो 400 ग्राम जो है ना हम घी डालेंगे। और घी नहीं है तो ऑयल भी आप लोग डाल सकते हैं। और ये बड़े साइज़ के जो है 3 है, तो प्याज से बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिए, इसमें डाल दिए हैं और गोल्डन कलर आने तक हम पकाएंगे। और अभी हम इसमें ये गरम मसाला डालेंगे, तेज पत्ते, बादाम के फूल है, मोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरे है, सब कुछ इसमें ये इसमें डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। और जो गरम मसाला हमने डाले इससे भी अच्छी सी खुशबू आ रही है और प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। और ये 4 तो टमाटर के बड़े, इनको मैंने रफली काट लिए, वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके पकाएंगे। 2 किलो चावल के तो 2 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, तो बिरयानी मसाला भी डाल देंगे इसमें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, शान मसाला हो कोई। अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम टमाटरों के साथ इसको पकाएंगे। तो चावलों का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये 1/2 किलो आलू थे जो हमने 2 हिस्सों में काट दिए हैं, ये डाल देंगे और इनको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और 2 किलो चावल थे तो तकरीबन जो है 4 किलो पानी डाल देंगे। और पानी मैंने डाल दिए और इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं 4 से 5 है, तो इसमें डाल देंगे। चावल हैं, इनको मैंने पहले 10 मिनट के लिए भुगो के रखा था और अभी पानी निकाल दिया है, ये डाल देंगे अभी और इसको आराम से मिक्स करेंगे। और आपकी मर्ज़ी है इसको खुला छोड़ के पकाएं, मैं इसको कवर करके पकाऊंगा ताकि चावल सारे हमारे ऊपर तक पक जाएं। और अभी हम इसको चेक करते हैं, माशाल्लाह पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। और इस टाइम पे हम जो है ना फ्लेम को लो कर देंगे और अभी हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो अभी 20 मिनट के बाद इनको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें कितने दानेदार और बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी बनी है। ते फाइनल लुक की तरफ, तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी हमारी आलूओं की चटपटी सी बिरयानी बनी है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।